एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का रिव्यू होगा इस पे एंड ये है टू फेस्ड का आई शैडो पैलेट एंड ये ओरिजिनल नहीं है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है एंड थ्री और फोर वीक्स अगो मैंने एक हॉल किया था जिसमें मैंने मेरा जैकलिन हिल का भी पैलेट दिखाया है कि मैंने उसी हॉल में से परचेज किया, उसी हॉल में मैंने ये भी परचेज किया है एंड जैसे कि मैंने बोला फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है एंड फ्लिपकार्ट पे ड्यूप्स मिलते हैं डेफिनेटली। आप कोई भी फ्लिपकार्ट पे कोई भी परचेज क्लिक करोगे कोई भी इमेज उसके नीचे एकदम नीचे लिखा होगा 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स, बट ऐसा नहीं है। वो जैकलिन हिल का जो ड्यूप पैलेट मुझे मिला है उस पर लिखा हुआ था कि जैकलिन हिल पैलेट, कहीं ओरिजिनल एंड ऑल लिखा नहीं था, बट वो उसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी थी एंड वो मैंने पहले ऑर्डर किया था तो मुझे तो पता था कि मुझे वो 600 में मिला है तो कहीं वो ओरिजिनल है ही नहीं, आसपास भी नहीं ओरिजिनल के, तो ओरिजिनल के आसपास कुछ होता नहीं है, बट हाँ आई न्यू दैट इट इज़ अ ड्यूप बिकॉज 600 में मिल रहा था। सो आफ्टर आई गॉट दैट मैंने उसका पिगमेंटेशन देखा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वो, तो मैंने इसका ये भी उसके आसपास ही नीचे सिमिलर प्रोडक्ट्स में दिख रहा था ये पैलेट एंड इसके मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे जिसने भी लिखे हुए थे, जितने भी लोगों ने लिखा हुआ था सारे अच्छे रिव्यूज़ लिखे हुए थे। तो ये मुझे ओनली 1000 रुपीज़ में मिला है एंड 1000 रुपीज़ ओनली तो नहीं होता है, बट ये मुझे इसका ड्यूप मिल गया, इसका जो ओरिजिनल है वो आराम से 3000 रुपीज़ के अबव है, तो मुझे इतना तो पता था कि इंस्टाग्राम पे भी यही प्राइजेस में ये पैलेट्स बिक रहे हैं, बट इंस्टाग्राम से मुझे ख़रीदना नहीं था, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट मैंने वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं है आज तक, तो मुझे पता नहीं कि अगर ट्रांजिट में मेरा पैलेट टूट जाता है तो वो रिप्लेस करेंगे या मेरा जो अमाउंट है वो वापस मुझे लौटाएंगे या नहीं, इसीलिए आई जस्ट वॉन्टेड टू बी सेफ एंड इफ़ एनीथिंग वेंट रॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट मैं फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पे उनको कॉल करके बोल सकती थी कि ये गलती है या मुझे मेरे पैसे चाहिए या मुझे रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी। सो आई थॉट ऑफ परचेसिंग इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो ये सब रहा कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है एंड अगर आपको ख़रीदना है तो जस्ट नो दिस दैट इट इज़ नॉट ओरिजिनल, आसपास लिखा नहीं होगा कि इट्स ओरिजिनल और डुप्लीकेट, बट इट इज़ डुप्लीकेट ऑफ कोर्स इट इज़। सो ये है इसकी पैकेजिंग एंड इस पर लिखा है स्वीट पीच एंड मुझे बहुत टाइम से जब से मैंने इसे देखा है जब से ये रिलीज़ हुआ है मैंने इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को देखा था, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब फॉलो कर रही हूँ, ब्यूटी कम्युनिटी को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे तब से चाहिए था, बट आई न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच ऑन अ पैलेट, तो इसीलिए जब से मैंने इसको फ्लिपकार्ट पे देखा एंड रिव्यूज़ भी पढ़े आई वॉन्टेड टू बाय इट, तो मैंने देखा और मैंने ख़रीद लिया। तो ये रहा, इस पर लिखा हुआ है स्वीट पीच एंड इट्स रिटन स्मेल्स लाइक पीचेस एंड इसका जो पैकेजिंग है मैंने ओरिजिनल पैलेट तो खुद आँखों से नहीं देखा है, बट सिंस मुझे ये रिव्यू करना था मैंने गूगल पे देखा, यूट्यूब पे इसके स्वॉचेस देखे, इसके रिव्यूज़ देखे बहुत सारे एंड आई गॉट टू नो दैट ये जैसा जैसा का वैसा ही दिखता है, जैसा ओरिजिनल है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जैसा भी लिखा हुआ है सब ओरिजिनल है। सो इस पे लिखा हुआ है कि 12 मंथ्स के अंदर आपको इसे यूज़ करना है, आपको दिख नहीं रहा है बट हाँ इट्स 12 मंथ्स के अंदर आपको ये पैलेट यूज़ करना है ऐसा लिखा हुआ है एंड इसको जब ओपन करते हैं ये भी एकदम ओरिजिनल पैलेट की तरह ही है, टिन पैकेजिंग है यहाँ पे एंड टिन पैकेजिंग है और इसका जो क्लोजर है ये मैग्नेटिक क्लोजर है और ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्लिमजी सा क्लोजर है कि खुलता है तो फिर बंद होने में टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, काफ़ी डिसेंट सा है एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे ऐसा लगता है कि इसके साइड में अगर ओरिजिनल रखेंगे तो आई वोंट बी एबल टू मेक आउट कि कौन सा डुप्लीकेट है एंड कौन सा ओरिजिनल है, इट्स दैट गुड। सो इस पे लिखा है स्मेल्स लाइक पीचेस एंड डेफिनेटली इट स्मेल्स अमेजिंग, इट स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक पीचेस, अगर आपने पीच को स्मेल किया है उसका फ्रेग्रेंस आपको पता है, पीच टी या पीच व्हाटएवर मॉइस्चराइजर जो ओरिजिनल पीच का फ्रेग्रेंस होता है वैसे ही एकदम ओपन करते ही वैसे फ्रेग्रेंस आता एंड दैट्स व्हाई दैट्स वन रीजन दैट आई रियली रियली लव दिस पैलेट, इट स्मेल्स लाइक पीचेस एंड पीचेस का जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव पीच टी एवरी डे, आई रियली हैव पीच टी एवरी डे क्योंकि मुझे उसका फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है एंड इस पे एक मिरर दिया हुआ है ओपन करने पे, ये मिरर अच्छे क्वालिटी का मिरर है डेफिनेटली एंड इस मिरर पे आपका इतना पार्ट
इतना पार्ट आराम से दिखता है, सो यू कैन डेफिनेटली यू नो ये कर सकते हो, आप आई शेडो आपका आराम से लगा सकते हो, लिपस्टिक लगा सकते हो. इट्स अ डिसेंट साइज मिरर, इतना मिरर दिया है बट यू कैन सी दिस पार्ट फ्रॉम दिस डिस्टेंस, सो इट्स गुड. एंड इसके जो मतलब मैं पूरा तो दिखा नहीं सकती हूँ, इतना दिखा सकती हूँ, यहाँ पे लिखा है टू फेस्ड एंड यहाँ पे लिखा है स्वीट पीच. ओके, एंड ये कार्डबोर्ड का थोड़ा सा पैकेजिंग है इसका, एंड ऐसा भी नहीं है कि ये निकल रहा है, ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड वन मोर पार्ट अबाउट दिस व्हाट आई लाइक्ड इज इस पे जो शेड नेम्स इस पे दिए हुए हैं, इस पे जो शेड नेम्स दिए हुए हैं वो इसके ऊपर भी मैंशनड है, यहाँ पे मैंशनड है, इसके शेड नेम्स यहाँ पे है, यहाँ पे है. सो इट बिकम्स रियली ईजी कि नो मैं बताऊँ कि मैं सपोज यहाँ पे एक शेड है कैंडिड पीच, कि मैं कैंडिड पीच लगा रही हूँ, या फिर यू नो दिस इज समर यम, मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ, तो इट बिकम्स रियली रियली ईजी. एंड ऑल्सो ओरिजिनल में है तो ड्यूप में भी है, दैट इज़ अ रियली रियली गुड थिंग. तो बात करते हैं इसके पिगमेंटेशन की. नाउ दिस इज डिसेंटली पिगमेंटेड, मैंने जैसे कि मैंने बोला ओरिजिनल स्वॉचेस देखे हैं मैंने यूट्यूबर्स को करते हुए, ये बहुत हाई पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं देगा आपको, बट आपको ये डिसेंट पिगमेंटेशन देगा. मैं इसकी स्वॉचेस एक दो आपको दिखाऊंगी. था इसका स्वॉच. एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगी, इस पैलेट को मैं दो तीन बार पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बिकॉज इसके जो शेड्स है वो बहुत ही एवरीडे काइंड ऑफ शेड्स है, एक्सेप्ट दिस शेड अगर आप लाइनर की तरह यूज़ करोगे तो आप एवरीडे उसे यूज़ कर सकते हो, एंड दिस शेड इज़ नॉट एवरीडे काइंड ऑफ अ शेड, बट बाकी शेड्स अगर हल्के तरीके से लगाओगे तो यू नो इट्स अ वेरी लाइक एवरीडे काइंड ऑफ अ पैलेट. तो मैंने इसे यूज़ किया, इसके जो सारे शेड्स हैं वो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बट एक दो शेड्स इधर उधर थोड़े से चौकी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लेंड होते नहीं है. तो अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट टू द डेमो. एंड हाँ, बिफोर वी गेट इन टू द डेमो, मेरे पास ये ब्रशेज है जो मैं आज यूज़ करूँगी. दीज ब्रशेज आर सो ब्यूटिफुल, मैंने इन्हें यूज़ नहीं किया है अब तक, एंड मैंने इन्हें रॉम्बे से परचेज किया था. सारे के सारे आई ब्रशेज हैं और एक फैन ब्रश है यहाँ पे. इनकेस आपने मेरा रॉम्बे का हॉल नहीं देखा तो मैं वो लिस्ट कर दूंगी बॉटम बार में. ये अराउंड 350 रुपीज़ के थे, समथिंग अराउंड दैट, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रशेज है. सो आई विल बी यूजिंग दीज ब्रशेज टुडे, एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. मैं मेरी आईज को सेट कर दूंगी इस शेड से, यहाँ पे ये वाले शेड से मैं मेरी आईज को सेट करूँगी. और इससे पहले मैंने एल ए कलर्स का फाउंडेशन लगाया था मेरे आँखों पे, एंड उसे मैंने सेट नहीं किया था, तो इसीलिए मैं सेट कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड, एंड ये शेड का नाम है समर यम, एंड इसे मैं मेरे क्रीज पे लगाऊंगी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. अब मैं यूज़ करूँगी ये वाला शेड, ये वाला, ये थोड़ा सा पिंक विथ शिमर है इसमें, ये ऐसा शेड है, ये थोड़ा सा शिमरी, एंड इसे मैं लगाऊंगी सिर्फ मेरे आईलेट एरिया पे, एंड बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा लुक है ये, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें. ब्राबोन को हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड, ये वाला शेड, थोड़ा सा शिमरी सा शेड है ये. एंड मैं ये शेड मेरे इनर कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, जस्ट अ लिटिल.
सो दैट इज़ ऑल फॉर माई आई मेकअप. मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया है, ब्लू हेवन का मस्कारा लगाया है मैंने, एंड मैंने कोई लाइनर नहीं लगाया, काजल नहीं लगाया है. मुझे कुछ और नहीं लगाना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेसिक रखना है इस लुक को, मैंने पहले भी बोला था. एंड ऑल्सो बात करते हैं अभी इस पैलेट की. आपने देखा कि ये कितनी ज़्यादा ईजीली ब्लेंड हो गया, एंड ये आई लुक भी कितना ज़्यादा सिंपल है. मैंने सिर्फ 3 शेड्स यूज़ किए, ये अंडर 1 मिनट किया है मैंने, जो मेरा आई का ब्लेंडिंग भी जो किया है, बिकॉज ये इतना ईजीली ब्लेंड हो जाता है. एंड मैंने जो पिंक कलर भी हाथ से फटाफट से लगा लिया है, एंड ब्राउ बोन पे भी जो मैंने लगाया है, इनर कॉर्नर्स पे भी लगाया, वो एकदम फटाफट से लग गया. तो अंडर 2 मिनट्स ये हुआ है, नॉट 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा कम हो गया. तो दिस पैलेट कैन बी यूज फॉर एवरी डे, एज वेल एज अगर पार्टी में जाओ तो आप ये जो शेड्स है, जो थोड़े से डार्कर शेड्स हैं उनको आप, ये बहुत ही ज़्यादा बिल्डेबल शेड्स है तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो. एंड डेफिनेटली ये पैलेट को मैं रेकमेंड करूँगी. ये वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स बन गया है, एंड द पैकेजिंग इज़ ऑल्सो सो क्यूट, एंड इट इज़ ओनली फॉर 1000 रुपीज़. एंड जो प्राइस मैंने पे किया है 1000 रुपीज़, वो मैंने सिंस मैंने बोला कि 3-4 वीक्स पहले ख़रीदा है, तो मैंने एक बार चेक किया था, उसका प्राइस अराउंड 1200 रुपीज़ हो गया था. तो अभी मुझे नहीं पता कितना है, जो भी प्राइस अभी का है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, और जो प्राइस में मैंने लिया है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. तो ये था इसका रिव्यू. डेफिनेटली मैं जैसे कि मैंने बोला है कि मैं इसे आपको रिकमेंड करूँगी ही. एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो मैं वीडियोज पोस्ट करती हूँ एवरी सिंगल डे, सो यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.